मार्केट में बहुत सारे र्यूमर्स चल रहे हैं कि अनलिमिटेड 5G जो अभी तक हमें जियो और एयरटेल द्वारा दिया जाता था उसको बहुत जल्दी बंद कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी अपने मोबाइल फ़ोन में अनलिमिटेड 5G इंटरनेट का यूज़ करते हो तो डेफिनेटली आप लोग थोड़ा बहुत डिसअपॉइंट तो हो ही रहे होंगे, क्योंकि आपको भी पता है कि 5G की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है। और अगर 4G की तरह ही 1GB, 1.5GB, 2GB, 3GB, 4GB तक अगर आपको इंटरनेट का एक्सेस मिलता है तो आपको ही पता है कि आपकी आदत अब चिक गई है बिगड़। अब आप बहुत जल्दी उस इंटरनेट को यूज करके ख़त्म कर दोगे, और उसके बाद क्या, उसके बाद आप किस तरीके से अपना पूरा दिन काटोगे ये तो भगवान भरोसे ही है। तो चलिए इसी से रिलेटेड कुछ लेटेस्ट न्यूज आया है उसके बारे में जानते हैं। देखिए फ्रेंड, अनलिमिटेड 5G जो अभी तक दिया जा रहा था उसके पीछे बहुत सारे रीजन थे। सबसे पहले जब जियो ने अपना 5G को रोल आउट करना शुरू किया था पूरे इंडिया में, तो उन्होंने बोला था कि मैं अनलिमिटेड 5G तब तक दूंगा जब तक कि पूरे इंडिया में 5G पूरी तरीके से रोल आउट ना हो जाए। तो फिर इन्होंने साथ ही साथ ये भी बताया था कि पूरे इंडिया में जो 5G को रोल आउट होने का जो डेट रिलायंस ने, जियो ने तय किया था वो था 31 दिसंबर 2023, यानी कि जो अभी आने वाला है 10 दिन बाद। तो फिर यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि क्या 31 दिसंबर 2023 यानी कि इस महीने के लास्ट तारीख के बाद से आपके 5G इंटरनेट जो अभी तक आप यूज करते थे अपने मोबाइल में, क्या वो आपको मिलना बंद हो जाएगा? तो फ्रेंड, मैं आपको सबसे पहले जियो की न्यूज़ को क्लियर कर देता हूँ। देखिए, जैसा कि जियो ने कहा था, पूरे इंडिया में जब तक 5G रोल आउट नहीं हो जाएगा मैं अपना अनलिमिटेड 5G इंटरनेट देता रहूँगा। तो फ्रेंड, आप लोग के लिए खुशखबरी ये है कि अभी तक पूरे होल इंडिया में जियो का जो 5G है वो अभी तक पूरी तरीके से रोल आउट नहीं हुआ है। इसका मतलब जियो का जो अनलिमिटेड 5G अभी तक आपको मिलता था वो अभी आने वाले कुछ महीने और तक मिलता रहेगा, यानी कि 31 दिसंबर 2023 को आपका जियो का, रिलायंस जियो का जो 5G अनलिमिटेड वाला पैक है वो अभी बंद होते हुए नहीं दिखने वाला है। ठीक है, तो रिलायंस जियो की न्यूज़ तो हो गई क्लियर। अब बात करते हैं एयरटेल यूजर्स के बारे में। अगर आप एयरटेल के 5G यूजर हैं तो डेफिनेटली आप लोग के लिए भी खुशखबरी निकल के आई है, और वो सिर्फ है 3 महीने की। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि एयरटेल जो अपना 5G अनलिमिटेड वाला पैक अभी तक अपने यूजर्स को दे रहा था, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आया है जिसमें उन्होंने ऐसा बताया है कि वो 31 मार्च 2024 तक अपने एयरटेल के सारे यूजर्स को लगभग 5G का अनलिमिटेड इंटरनेट का एक्सेस देते रहेंगे। तो यानी कि जियो वाले ने अभी तक कुछ डेट तय ही नहीं किया, तो यानी आने वाले कुछ महीने जियो के आपको अनलिमिटेड 5G मिलते रहेंगे। एयरटेल वालों ने बोला है कि 31 मार्च 2024 तक के लिए आप निश्चिंत हो जाइए, आपको अनलिमिटेड 5G का एक्सेस मिलता रहेगा। कि आपको क्या लगता है कि आने वाले कितने और दिनों तक इंटरनेट 5G अनलिमिटेड का एक्सेस आपको मिलता रहेगा? आपको आने वाले कुछ दिनों तक एयरटेल और जियो में एक हेल्दी कंपटीशन दिखता रहेगा, यानी कि ये एक कुछ ऐसा प्लान लेके आएंगे जो कि यूजर्स को पहले यूज टू करे। जब एक बार यूजर यूज टू हो जाएंगे, उस जो लिमिटेड डेटा होगा उसको इस्तेमाल करने के लिए यूज टू हो जाएंगे और उसके लिए पे करने के लिए भी तैयार हो जाएंगे, देन ये अनलिमिटेड इंटरनेट को बंद करेंगे। तो अगर मेरे ओपिनियन में आइए तो 2024 के लास्ट तक जाकर कहीं, मतलब लास्ट क्वार्टर में जाकर कहीं आपको इनका 5G अनलिमिटेड वाला जो प्लान है वो बंद होते हुए मैं देख पा रहा हूँ। बाकी अब मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो इसके लिए तो खैर आपको तैयार रहना ही चाहिए। अब बात करते हैं एक और इंटरेस्टिंग बात की, वो है प्लान्स की। तो देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो भी जियो का या फिर एयरटेल का, मैं यहाँ पे दो की बात कर रहा हूँ, जो भी जियो का और एयरटेल का आपको अनलिमिटेड इंटरनेट वाला प्लान है अभी जो आपका चल रहा है, वो जब लिमिटेड इंटरनेट के प्लान में आएगा तो उस समय आपको 4G से थोड़ा सा स्लाइडली ज़्यादा पैसा देना पड़ सकता है। ऐसा क्यों है फ्रेंड? उसके पीछे भी रीज़न है, क्योंकि 5G जो है वो लेटेस्ट, मतलब इन्वेस्टमेंट है कंपनीज की, बहुत ज़्यादा पैसा इन्होंने इन्वेस्ट किया। तो डेफिनेटली कभी भी कोई भी कंपनी, आप भी वहाँ रहते तो आप भी पहले अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो कुछ ना कुछ आप ROI उस कंपनी से चाहते हो। तो इनिशियल डेज में आपको अच्छे खासे प्लान थोड़े से स्लाइडली महंगे देखने को मिल सकते हैं 5G के, बट आफ्टर कुछ, मतलब कुछ मंथ के बाद आपको फिर से 5G और 4G के जो प्लान्स है वो लगभग बराबर मिल जाएंगे। जिस तरीके से इस समय 3G और 4G के प्लान्स बराबर हैं, मतलब 4G आप रिचार्ज करो या 3G रिचार्ज करो, आपको उतना ही पैसा देना होता है और लगभग आपको इंटरनेट की स्पीड में अच्छा खासा अंतर देखने को मिल जाता है। उसी तरीके से 4G और 5G के प्लान्स में भी जो उसका रेट होना चाहिए वो लगभग बराबर ही होगा, बस इंटरनेट की स्पीड में ही अंतर होगा। 4G यूज करोगे तो 4G की स्पीड आएगी, 5G यूज करोगे तो 5G की स्पीड आएगी। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग मन में जो भी सवाल उठ रहे थे उसके मैंने क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश की है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो ना तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।